वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 1 विकास को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 देख लिया है, अब हम पार्ट 2 को देखेंगे। आप पहले इसके पार्ट 1 को देख ले ताकि आपको पार्ट 2 आसानी से समझ में आ सके, और आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले हमने डेवलपमेंट के बारे में जाना था कि विकास क्या होता है, मतलब किसी भी देश का विकास हो तो उसका विकास चौतरफा होना चाहिए, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सभी क्षेत्रों में जो है विकास होना चाहिए, और विकास के लिए जो है प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी जो है वो होनी चाहिए। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं औसत आय के बारे में कि जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी देश का डेवलपमेंट निकालना है कि वो विकसित है या विकासशील है तो हम कैसे निकालेंगे। यद्यपि औसत आय की तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी ये असमानताएँ छुपा देते हैं। उदाहरण के लिए दो देश यहाँ पे दिए गए हैं, क और ख विचार करते हैं। सरलता से हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं। तालिका 1.2 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों की औसत आय निकले, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है औसत आय के बारे में दिया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए देश है और यहाँ पे देश क है, यहाँ पे देश ख है, जिसमें कि 1, 2, 3, 4 और 5 5 व्यक्ति के बारे में दिया हुआ है, 5 निवासियों के बारे में, और उनकी औसत आय दे रखा है। आपको औसत आय निकालना है नागरिकों की मासिक आय जो है रुपए में आपको बतानी है। तो आप क्या करेंगे, जो ये औसत आय पूरा दिया गया है आप उसको जोड़ लें और जितना टोटल आप उसके उसको 5 से भाग दे दें। बस आप नीचे भी करें, दोनों की औसत आय निकाल कर आप यहाँ पे उसको भर सकते हैं। आप निकाल कर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चलिए हम इसे पढ़ते हैं। क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे? क्या दोनों देश बराबर विकसित है? नहीं। जो देश का है आपको देख के भी आंकड़ा लग रहा होगा कि जो देश का है उसकी इनकम आय जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो यहाँ के जो लोग होंगे वो संपन्न होंगे, उन्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। और जो ख दिया हुआ है, ख देश, उसमें हमें बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे बेरोजगारी जो है वो मुख्य रूप से विराजमान होगी। शायद हम में से कुछ लोग देश ख में रहना पसंद करेंगे। हमें यह आश्वासन होता है कि उस देश के 5वें नागरिक होंगे, लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी तो शायद हम से ज़्यादा लोग देश का मेरा ना पसंद करेंगे। इसलिए क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय का एक समान है, जब हम इनकी औसत आय को निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको इनकी औसत आय कितनी है, बराबर है या कम है। तो आपको मालूम हो जाएगा कि जैसे कुछ लोगों को देश ख में रहना है, कुछ लोगों को देश क में रहना है, तो उन्हें अपनी पसंद के अनुसार जो है क या ख को पसंद कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की औसत आय जो है वो बराबर होंगे। औसत आय एक समान है। देश क के लोग ना तो बहुत अमीर है ना ही बहुत गरीब, जबकि देश ख के ज़्यादातर नागरिक गरीब है। मतलब यहाँ पे आपको आंकड़े ही भी देख के पता चल रहे होंगे कि एक व्यक्ति बहुत अमीर है, इसलिए यद्यपि औसत आय की तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं लग सकता है कि आय लोगों में निम्न प्रकार वितरित है। जैसे कि आप यहाँ समझ लीजिए कि देश क में जैसे दिया जा रहा है कि एक व्यक्ति का आय कितना है, और देश ख में देखिए एक व्यक्ति का आय, फिर नंबर 2 में देखिए ऊपर नीचे दोनों को आप मिलाते जाइए कि किसमें कौन सी ज़्यादा और क्या है, किसमें कौन सा कम है। तो आपको पता चलेगा कि देश ख में जो 5वां निवासी है उसकी जो आय है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे क्या मालूम चलता है कि यहाँ कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग जो हैं वो गरीब है। वैसे आप ऊपर भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ सभी के आंकड़े जो हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ भी जो है न तो बहुत अमीर है न ही बहुत गरीब है, यहाँ पे मध्यम वर्ग के भी लोग होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश, जैसे कि यहाँ हमने देखा कि लिखा गया कि हमने कुर्सियों को बनाया तथा उनका उपयोग करते हैं। ये लोग कुर्सी को बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का यह देश, गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये लोग जो है कुछ गरीब हैं जो क्या किए हैं कि एक ही कुर्सी पर जमकर बैठे हुए, मतलब भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है, कुर्सी कम है, और एक व्यक्ति जो है अमीर है तो वो आराम से जो है 4 कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे गरीब के मुकाबले जो है एक आदमी अमीर, मतलब गरीबी जनसंख्या के बराबर जो है एक अमीर व्यक्ति है। तो यहाँ पे जो है कुछ आदमी अच्छे से तरीके से रह रहे हैं और कुछ जो है बहुत अधिक संख्या में वो गरीबी का जीवन जी रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी लोग समान रूप से, तो समान रूप वाले जो देश होंगे वो क्या होंगे, अच्छे होंगे, जैसे कि हमने ऊपर पिक्चर में देखा। आओ इन पर विचार करते, 3 उदाहरण देना है जहाँ स्थितियों की तुलना के लिए औसत प्रयोग किया जाता है। क्या आप क्यों सोचते हैं कि औसत विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है? व्याख्या कीजिए। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि 3 उदाहरण दीजिए जहाँ स्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम किसी देश की अगर नागरिकता के बारे में देखते हैं और जानते हैं कि इसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति औसत आय जो होती है उसको निकाल कर हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह देश संपन्न है या गरीब है या अत्यंत गरीब है। जैसे कि आप अगर विश्व का आंकड़ा निकालें तो इसमें अमेरिका के बारे में आप जानते हैं कि वो सबसे विकसित देश है, उसके अलावा जापान, इंडिया और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विकासशील की श्रेणी में आते हैं, मतलब वे लोग अपना विकास कर रहे हैं, मतलब किसी न किसी दिन तब ऐसी स्थिति होगी जब संपूर्ण विकास हो जाएगा।
और जो कुछ कुछ देश ऐसे होते हैं जो पिछड़े होते हैं, जैसे कि अफ्रीका में बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें हैं, वो बहुत आर्थिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसके बारे में आप जानते होंगे कि वे देश क्या है पिछड़े हुए, तो हम इनका हम लोग कैसे बंटवारा करते हैं, तो औसत आय के जरिए करते हैं। आप सोचते हैं कि औसत आय विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम किसी भी देश में तुलना करें तो हमें जो है औसत आय को समझना आवश्यक है, एक महत्वपूर्ण मापदंड है। प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त कौन से आय लक्षण हैं जो दो या दो के अधिक तुलना के लिए महत्व रखते हैं? मतलब इससे आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ आपको बोला गया कि प्रति व्यक्ति आय के बारे में, हम इससे भी तो अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम बेरोजगारी के जरिए देखें तो किस देश में अधिकतर लोग जो है काम वगैरह करते हैं, तो वहाँ की जो इकोनॉमिक व्यवस्था होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। उसके अलावा जहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा व्याप्त है, शिक्षित अशिक्षित लोगों की संख्या के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी तुलना कर सकते हैं। आप भी बहुत सारे ऐसे कुछ सोचिए, बेरोजगारी हमने बताया, शिक्षित अशिक्षित और गरीब अमीर आदि ऐसे कुछ आंकड़े हैं जिसके द्वारा जो है आप मापदंड निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि रिकॉर्ड यह दिखाते हैं कि किसी देश की आय समय के साथ बढ़ती रही है और इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अर्थव्यवस्था सभी लोगों के लिए बेहतर है। अपना उत्तर उदाहरण के साथ दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमको किसी भी देश के बारे में दिखाना है तो हम रिकॉर्ड दिखाएंगे एक डाटा के तरह, जो हम लोग मैथ में डाटा बनाते हैं कि अब तक 5 सालों में जो है इतना विकास था, फिर उससे 6 सालों में इतना विकास, फिर 7 सालों में इतना, 8 सालों में इतना, 9 सालों, मतलब ये जो है 10 से 15 साल का रिकॉर्ड है जिसमें कि विकास की चरम सीमा क्या है, ऊपर बढ़ती हुई गई है, मतलब इसमें किसी भी तरीके से कमी नहीं हुई है। तो इस आधार पे हम निकाल सकते हैं और निष्कर्ष भी दे सकते हैं कि इस आंकड़े को हम देखकर आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है लोग शिक्षित हैं, लोगों के लिए काम भी जो है पर्याप्त रूप से है, अगर लोग गरीब हैं, नहीं भी मतलब पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए भी जो है कुटीर उद्योग या फिर अन्य जैसी कुछ काम की व्यवस्थाएँ हैं जिसके कारण जो है देश की स्थिति खराब नहीं है, अच्छी है, और देश क्या है, विकसित है। विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार निम्न आय वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हम समझते हैं कि एक 2012 की रिपोर्ट दी गई है, हमने जब ऊपर देखा भी था कि 2012 की रिपोर्ट के अनुसार जो देश है उनके हम आंकड़े निकालेंगे तो हम देखेंगे भारत, नेपाल या फिर बांग्लादेश या अमेरिका, जापान, चाइना, उन सब की स्थिति क्या है। तो आप वैसे भी जानते हैं कि जो स्थिति है वो अमेरिका और सबसे अच्छे विकसित देश की श्रेणी में आता है। उसके अलावा जो विकासशील देशों में भारत, चाइना, जापान, बांग्लादेश, कुछ ऐसे भी देश और कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका विकास नहीं हो पाया है। तो किस कारण नहीं हो पाया है, उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो शिक्षा है और बेरोजगारी है। लोग अगर शिक्षित होते हैं तो वो पढ़ लिख लेते हैं, उन्हें काम की आवश्यकता होती है। अगर उन्हें काम खोजना भी है तो हमारे यहाँ काम पर्याप्त तो है तो ही हमें काम मिल सकता है, अगर काम नहीं है तो हम भी बेरोजगार की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इसलिए यह हम बता सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय हम कैसे ज्ञात करेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर पढ़ लिख भी लेते और उनको अपने अनुसार काम नहीं मिलते तो वैसे ही लोग क्या कहलाते हैं, बेरोजगार कहलाते हैं। और पूरा जो देश होता है उसका विकास किस पर निर्भर करता है, प्रति व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, मायने रखती है। एक अनुच्छेद लिखना है भारत को एक विकसित देश बनने के लिए क्या करना चाहिए। चलिए हम इस पर कुछ सोचते हैं और समझते हैं कि हम अगर एक अनुच्छेद लिखते हैं तो हम इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जिसे हम जान लें कि सर्वप्रथम प्राचीन समय में जो भारत की स्थिति थी उसमें केवल उच्च वर्ग के लोगों को मान्यता दी जाती थी। फिर धीरे धीरे जो है स्थिति सुधरती गई, तब निम्न लोगों को जो है बहुत सारे आप देखे हैं कानून के तहत जो उन्हें अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारी उन्हें छूटें भी प्रदान की गई है। तो अब यह स्थिति ठीक है, मतलब अब जो है निम्न वर्ग के लोग जो हैं वो उच्च वर्ग के लोगों के समान नहीं, काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। तो यह स्थिति क्या करनी चाहिए, समाप्त करनी चाहिए। सबके लिए जो नौकरी की व्यवस्थाएँ हैं, शिक्षा की व्यवस्थाएँ हैं और मतलब जो भी आर्थिक चिंताएँ हैं वो सब कुछ समान होनी चाहिए, तभी क्या कर सकता है, देश विकसित कर सकता है। और जैसे कि भ्रष्टाचारी, धोखाधड़ी, ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें बचकर रखना चाहिए, काला बाजारी, अगर हम इन सब चीज़ों से बचकर रहते तो हमारा देश क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। तो समानता एक बहुत बड़ी बात है, अगर समानता सब कुछ में हो तो विकसित भारत भी क्या हो सकता है, भविष्य में अमेरिका जैसा विकसित देश बन सकता है। क्योंकि हम देखते हैं अपने भारत में कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जैसी नीति व्याप्त है। जैसे कि अगर कोई भी मतलब बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और उनका एडमिशन बड़े स्कूल में नहीं हो पाता तो आप देखते हैं पहचान के तौर पे या पैसे के तौर पे जो है उन्हें एडमिशन मिल जाता है और बाकी जो योग्यता के रूप में निर्भर है उन्हें विद्यालय में एडमिशन नहीं मिल पाता। ये सब सारे कॉलेजों का भी हाल है, विद्यालयों का हाल है और भी बहुत सारे ऐसे नौकरी पेशे क्षेत्र हैं जहाँ पर घूस देकर जो है नौकरी करवा दी जाती है। और आप भी देखते होंगे कि जैसे निम्न वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक जाति के जो लोग हैं उन्हें कुछ छूट दी जाती है, वहीं सामान्य वर्ग के लोगों को किसी भी तरीके से छूट नहीं दी जाती, उन्हें ज़्यादा परिश्रम करना होता है। तो जब तक हमारा देश समान नहीं होगा, भ्रष्टाचार की नीति नहीं समाप्त होगी, काला बाजारी नहीं बंद होगी, तब तक जो है भारत विकसित नहीं हो सकता है।
इसके विकसित होने के पीछे कुछ और भी कारण है जिन्हें हम सुधार करके क्या कर सकते हैं, तो अपने भारत देश को विकसित कर सकते हैं। आप भी इनसे सहमत हो, अगर नहीं हो तो आप भी खुद सोचें कि भारत को विकसित बनाने के लिए और हम क्या क्या कर सकते हैं। आय और अन्य मापदंड क्या होते हैं? जब हमने व्यक्ति आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों के आदर, समानता का व्यवहार, पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इस प्रकार जब हम किसी देश के या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में सोचते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर है लेकिन वो स्वभाव से काफ़ी ज़्यादा घमंडी है, दूसरे के प्रति उनका व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं है, लिबरल नहीं है, घमंडी और क्रूर टाइप का व्यवहार है, तो वो व्यक्ति अच्छे नहीं कहलाएंगे। एक व्यक्ति अपने लिए सिर्फ पैसा ही या आय के बारे में नहीं सोचता, अपना सम्मान, अपनी सुरक्षा, अपने दायित्व और अपने व्यवहार सब कुछ को ध्यान में रखता है। तो एक विकास के होने के लिए ये सारी भी चीज़ें जो हैं वो आवश्यक हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती है, इनका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा कर सकते हैं। तालिका 1.2 में हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में ये आंकड़े 2016 से 2017 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पादन है। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,80,174 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन आय केवल 34,409 रुपये कमा रहा है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो तालिका 1.4 में दिया। चलिए पहले हम इस तालिका को समझे 1.3 तालिका को, जैसे कि यहाँ पे दिया जा रहा है। एक तालिका है जिसमें कि प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जो है कौन सा ऐसा राज्य है जो काफी ज्यादा विकसित है। तो हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2016-17 के अंतर्गत कितनी है, 1,80,174 रुपया। केरल की कितनी है, 1,63,475 रुपये, और बिहार की 34,409 है। सबसे इस क्षेत्र में बिहार पिछड़ा और सबसे आगे जो हरियाणा। ऐसी स्थिति यहाँ क्यों है? तो हरियाणा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे जैसे भ्रष्टाचार की नीति नहीं होगी, लोग काफ़ी ज़्यादा शिक्षित होंगे, वहाँ के विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई होती होंगी, बेरोजगारी वहाँ कम व्याप्त होंगी। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार पिछड़ा इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ हमको ज़्यादा गरीबी दिखती है और भी बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे अशिक्षित हैं, बहुत सारे बच्चे विद्यालय ही नहीं जाते। इस कारण जो है भारत पिछड़ा राज्य, क्योंकि भारत की आबादी काफ़ी ज़्यादा अधिक है बाकी राजस्थान और केरल के मुकाबले, तो यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें शिक्षा की काफ़ी ज़्यादा कमी है, तकनीकी सुविधा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत अधिक व्याप्त है। चलिए इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझो, जैसे बहुत सारे सरकारी विद्यालयों में हम देखते हैं कि बच्चे आते हैं लेकिन हाफ आवर में ही चले जाते हैं। टीचर जो हैं उन्हें वेतन सही समय पर नहीं मिलने के कारण वो बच्चों को ठीक से शिक्षित नहीं कर पाते। तो ऐसे बहुत सारे कारण व्याप्त हैं। आप अपने आसपास देखेंगे कि अगर सरकारी स्कूल अच्छे होते तो जो माँ बाप होते वो अपने बच्चों को प्राइवेट में ना भेजकर सरकारी स्कूल में भेजा करते। तो हम सरकारी स्कूल को और अच्छा बनाएंगे प्राइवेट के जैसा, तो लोगों को प्राइवेट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट में आप देखते हैं कि सब कुछ समय पे किया जाता है। वही काम अगर वही नियम हम लोग सरकारी स्कूल में अप्लाई करें तो बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे शिक्षित होंगे और बिहार भी राजस्थान और केरल जैसे राज्यों की तरह जो है विकसित हो सकेगा। आपके भी दिमाग में अगर कोई ऐसे ख्यालात आते हैं तो आप भी उन्हें साझा करें और बताएं कि किस तरीके से बिहार में स्थिति को सुदृढ़ की जाती है। आप अगर देखें कि एग्जांपल के तौर पर कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और मान लीजिए कि 100% बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनमें से क्या होता है कि बहुत कम बच्चे, 100% बच्चे में मात्र 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जा पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच जाते हैं, 90% बच्चे वे ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, उनके साथ उनके परिवार की मजबूरी होती है या उन्हें काम खोजने की जिज्ञासा होती है। बहुत सारे बच्चे अगर पढ़ भी लेते हैं तो उनके अनुरूप जो है उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि बिहार की स्थिति ऐसी है कि अगर हम साल भर किसी भी नौकरी की तैयारी में लगे होते हैं तो हमें एक साल के अंतर्गत जो है वो नौकरी नहीं मिल पाती है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं 1.4 की तालिका में, देखते हैं क्या कहा गया है। हरियाणा, केरल और बिहार से कुछ अन्य तुलनात्मक आंकड़े यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हरियाणा की आप देख लीजिए कि शिशु मृत्यु दर जो है 1,000 व्यक्ति पर 2017 का यह रिपोर्ट है 30 है शिशु मृत्यु दर, और साक्षरता जो है मतलब पढ़े लिखे लोग 82 हैं, और निवल उपस्थिति अनुपात प्रति व्यक्ति 100 व्यक्ति उच्चतर 14 वर्ष था, 15 वर्ष में 61 यहाँ पे दी गई। केरल में शिशु मृत्यु दर मात्र 10% है और साक्षरता जो है 94 है, सबसे ज़्यादा जो आपको केरल में दिख रहा होगा। और जो है निविल उपस्थिति अनुपात प्रति व्यक्ति 100 उच्च दर आयु 14 से 15 वर्ष के बच्चे जो है वो 83 हैं। बिहार में देखिए यह स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, शिशु मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है,
35, क्योंकि यहाँ पे एक परिवार नियोजन प्रणाली नहीं है। ऊपर जिन दोनों राज्यों में हमने पढ़ा हरियाणा और केरल के बारे में, यहाँ पे मतलब परिवार नियोजन की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है और जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके भविष्य को सोचा जाता है कि इनको करना क्या है। लेकिन यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में भी होते हैं, उनकी मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे चिकित्सा की कमी है बाकी दोनों राज्यों के मुकाबले। यहाँ पे साक्षरता पढ़ाई लिखाई के संबंध में भी काफ़ी ज़्यादा बिहार जो है वो पिछड़ा हुआ है। मतलब सब लोग यहाँ पर जागरूक नहीं होते हैं पढ़ने लिखने के लिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं जो गरीब तबके के क्षेत्र से आते हैं, उनमें बहुत कम ही बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। एक तो मजबूरी के कारण अगर उन्हें दूसरा मुफ्त में शिक्षा मिल रही है तो उन्हें उस मुफ्त शिक्षा के बारे में ठीक से न तो जिज्ञासा है और न ही इस तरीके की रुचि है कि वो पढ़ सके। और शिक्षक भी मतलब उस तरीके से बच्चों के पीछे नहीं पढ़ते कि अगर उन्हें पढ़ना है तो वो स्वयं पढ़ेंगे, अन्यथा नहीं। और जो है यहाँ पे निवेल उपस्थिति वो मात्र 43 है 14 से 15 वर्ष तक के बच्चों की आयु। आप इसमें से आंकड़े देख के ही समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है बिहार में वो बहुत ज़्यादा कमी है। अगर इन कमियों को सुधारा जा सकता है तो वो भी केरल और हरियाणा जैसे बिहार राज्य बन जाएंगे। स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का यह रिपोर्ट है, PA 160 वॉल्यूम, भारत सरकार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, रिपोर्ट संख्या 575। इस तालिका में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या। शिशु मृत्यु दर, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चे में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या, मतलब जो हम निकालते हैं एक साल में 1000 अगर व्यक्ति होते हैं, मतलब जब वो जन्म लेते हैं तो उसमें कितने बच्चे मर गए हैं। और साक्षरता दर क्या है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग साक्षर जनसंख्या का अनुपात कितना, मतलब 7 वर्ष के बाद जो है बच्चे कितने पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें बिहार में तो आपको एज के अकॉर्डिंग बहुत कम ऐसे बच्चे मिलेंगे जो एज के अकॉर्डिंग क्लास में है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बच्चे भी बहुत पिछले क्लास में पढ़ते हैं क्योंकि उनकी जो शिक्षा की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। निवल उपस्थिति अनुपात 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों की उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत, मतलब कितने बच्चे जो है एक साल के अंतर्गत स्कूल जा रहे हैं 14 से 15 वर्ष के बच्चे। तो हमने देखा इन तीनों के आधार पर हरियाणा, केरल और बिहार के डाटा को हम समझ गए। अब चलिए यहाँ पे आगे समझते हैं। यह तालिका दर्शाती है कि तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित बच्चे पैदा हुए जिसमें से 10 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पहले मर जाते हैं, और हरियाणा में यह अनुपात 30 था और केरल में यह 2 गुना ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसा कि 1.3 में देखा गया। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं, यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। आप ऐसे माता पिता के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन रात से ही पहले मर जाते हैं, ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा यह देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं, 2017 से, जो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे, ये नए आंकड़े हैं। हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद के बाद ही जब हमारे देश में बड़े शहर में ऊंची इमारतों और खरीदारों के लिए शॉपिंग मॉल जैसे भरे पड़े हैं, समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका के अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार में लगभग आधे बच्चे 8वीं कक्षा के बाद स्कूल नहीं जाते, अर्थात बिहार में किसी भी स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब हो जाते हैं। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वो नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता है तो आप भी यह समय नहीं पढ़ पाते हैं जो पढ़ रहे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। और हरियाणा, केरल और बिहार के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे शिशु मृत्यु दर क्यों होती है। तो आप भी सोचिए कि अगर चिकित्सा की कमी और परिवार नियोजन प्रणाली का उन्हें ज्ञान नहीं है कि किस आयु में बच्चे कैसे पैदा लेने चाहिए और उन्हें किस तरीके से बचाया जा सकता है, ये सब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको जानना आवश्यक है। उसी तरीके से केरल में यह संख्या काफ़ी अधिक है क्योंकि केरल में लोग पढ़े लिखे हैं, उन्हें शिशु को पालने का तरीका और उन्हें जन्म के समय कैसे उन्हें रखा जाता है, कैसे इनका पालन पोषण किया जाता है, सब वे अधिक तरीके से सक्षम है। हरियाणा की भी स्थिति बिहार से अच्छी है लेकिन बिहार की स्थिति अत्यंत खराब है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है बच्चों की शिशु मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा अधिक है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें सुविधा नहीं मिलने के कारण जो है जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसी समय माँ की भी मृत्यु हो जाती है, एक तो बच्चे भी मर जाते हैं दूसरा माँ की भी मृत्यु हो जाती है। तो सही एज में शादी करना आवश्यक है और सही एज में जो है बच्चों का पालना पोषण भी आवश्यक है। अगर समय से पहले सब कुछ किया जाता है तो यह स्थिति गंभीर हो जाती है और ज़्यादातर बिहार में स्थिति अभी यही बनी हुई है। चलिए अब हम आगे शिक्षा की अगर बात करते हैं तो शिक्षा की स्थिति में केरल सबसे आगे है। वहाँ पर शिक्षित व्यक्तियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा अधिक है क्योंकि वहाँ पर शिक्षा पर मुख्य रूप से जोर दिया जाता है। जो सरकारी विद्यालय हैं उनको ही इतना अच्छा बनाया गया है कि प्राइवेट स्कूलों की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरीके से हम भी अगर बिहार में इस तरह की स्थिति करें कि क्यों बच्चे स्कूल नहीं पढ़ने आते, क्यों उन्हें मन नहीं लगता है, शिक्षा की पद्धति को कितना सरल बनाया जा सके ताकि सभी बच्चे इसमें रुचि लेकर पढ़ें, क्योंकि एक शिक्षक का ही काम होता है कि बच्चों को शिक्षा के लिए अग्रसर करना, उनके माता पिता का भी यह कार्य होता है। तो माता पिता उस समय इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इस कारण जो है बच्चे बिगड़ जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों की स्थिति बिहार में यही है, 8वीं क्लास के बाद बच्चे जाना नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं कि अब हमने बहुत समय तक पढ़ाई कर ली, क्योंकि उन्हें आगे के बारे में, जीवन के बारे में पता नहीं है।
शिक्षकों का यह कार्य है कि विद्यालय में बच्चों को समझाए कि आगे की पढ़ाई जो है हमारे लिए कितनी लाभदायक होती है, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। अगर हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते तो हमारा जीवन जो है एक तरीके से व्यर्थ होता है। तो शिक्षकों का ही यह कार्य है कि वो बच्चों को प्रेरित करे पढ़ने के लिए। इससे स्थिति तभी ठीक होगी जब उनको वेतन भी सही समय पर मिलेगा, क्योंकि बिना वेतन के उन्हें काम करने की भी इच्छा नहीं होती है। बिहार की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, उसके पीछे सरकार की ही योजना है। अगर सरकार चाहे सब चीज़ को नियम अनुसार करे तो शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छी होगी, शिक्षक भी सही समय पर मिलेंगे और प्राइवेट स्कूलों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। पहले के मुकाबले बिहार में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार होना आवश्यक है, क्योंकि बिहार में ज़्यादा जो है वो भ्रष्टाचार की नीति है। यहाँ पे लोग पैसे देकर जो है नौकरी और अपने बच्चों को ऊंचे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करवा देते हैं। यहाँ पे एक चित्र देखिए, अधिकांश शिशुओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाते, जिसके कारण जो है वो मृत्यु की मतलब अब वो उसमें चले जाते हैं। और बहुत सारी माताएं भी ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं अच्छी अस्पताल में मिलने के कारण, अच्छी चिकित्सा नहीं मिलने के कारण वो भी मर जाती हैं। सार्वजनिक सुविधाएं, ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति आय से अधिक है? इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे। इसका कारण है कि आवश्यक नहीं है कि जेब में रुपया रखा वे सब वस्तुएं सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो। नागरिक की कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इनके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त करवाया जा सकता है, नहीं खरीदा सकता है, या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला जा सकती। आप अन्य ऐसे समुदाय में जाकर नहीं रह सकते हैं जहां ये लोग जाते हैं, सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से बचा नहीं सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इसके बचाव के लिए कदम नहीं उठाएगा। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है, अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। क्या आप कर सकते हैं? आपके बड़े गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई पढ़ने में रुचि नहीं रखता है, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने की क्षमता न रखते हो। आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और बहुत से लोग यह मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे कि सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल सके। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय भी नहीं ले पाती क्योंकि सरकार समाज में इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। चलिए हम इन चीज़ों को समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि हरियाणा में जो लोग हैं उनकी वेतन अधिक है केरल के लोगों के वेतन से ज़्यादा, तो इसके पीछे कारण क्या है कि हमारी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं हम बहुत हद तक उन्हें खरीदें और जो जिसकी आवश्यकता नहीं है उसके पीछे पैसों की बर्बादी ना करें। एक ये भी कारण जिसके कारण हरियाणा जो है वो उनके लोगों का वेतन काफ़ी ज़्यादा अधिक है। और अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो एक शैक्षिक माहौल होना चाहिए पढ़ने के लिए, जहाँ पे अगर आसपास के लोग पढ़े लिखे हैं तो एक समुदाय का असर पूरे समुदाय पर पड़ता है। मतलब अगर कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी यह देखकर मन होगा कि हम भी पढ़ें, लेकिन बिहार में ऐसी स्थिति आपको देखने को नहीं मिलती है। चलिए हम उदाहरण के तौर पर समझे कि मान लीजिए एक गरीब परिवार का बच्चा है, उसके दो फैमिली हैं, चाचा और एक उसका अपना फैमिली। तो चाचा के अगर बच्चे पढ़े तो वो भी पढ़ेगा, लेकिन अगर चाचा के बच्चे ने 8वीं क्लास में जाकर पढ़ाई छोड़ दी तो दूसरे का बेटा भी क्या करेगा, 8वीं क्लास में जाकर पढ़ाई छोड़ देगा। उसी तरीके से कुछ रूढ़िवादिता की नीति, जैसे कि लड़कियों को लड़कों के रूप से समान शिक्षा नहीं दी जाती। अभी भी हम गांव में देखते हैं कि लड़की पढ़ने के लिए उत्सुक तो होती है लेकिन उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता है सरकार की कुछ योजनाओं के कारण, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा उच्च विद्यालय नहीं है जिसके कारण लड़कियां शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती हैं, अपने मन के अनुसार भी वो नहीं जा पाती है। कुछ बच्चियाँ तो बाहर जाकर पढ़ लेती हैं लेकिन अधिकांश बच्चियाँ गाँव में ही रह जाती हैं और उनकी कम आयु में शादी कर जाती है, जिस कारण जो है वंश को चलाने के लिए उन्हें बच्चे पालने के लिए प्रेशर दिया जाता है, जिस कारण उनकी स्थिति अच्छी नहीं रह जाती। एक तो माँ का भी जीवन खतरे में पड़ जाता है और समय से पहले जिस बच्चे का जन्म होता है उसे अच्छी से चिकित्सा नहीं मिल पाती, जिस कारण बच्चे और माँ की मृत्यु हो जाती है। बिहार में बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस कारण यह स्थिति बनी हुई है। साक्षरता में बहुत कमी है, शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है। अगर लोगों को शिक्षित करना है तो ऐसे समुदाय को बनाना होगा जहाँ पे सभी लोग पढ़ते हैं। अगर पढ़ाई का माहौल रहेगा तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखकर अग्रसरित होगा, लेकिन अगर एक बच्चा स्कूल नहीं जाता तो दूसरा बच्चा यही कहेगा कि वो नहीं जाता है तो मैं क्यों जाऊँ स्कूल। तो इस तरीके से समुदाय हमको ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि समुदाय का प्रभाव पूरे जगह पड़ता है। इसीलिए हम केरल और हरियाणा की स्थिति देखते हैं कि वहाँ लोग ज़्यादा शिक्षित हैं, इसलिए अभी भी उनकी स्थिति जो है वो मजबूत रहती है। यहाँ पे देखिए, केवल केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण सा ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है, जैसे राज्यों में स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होना चाहिए। चलिए हम इसको समझते हैं। जैसे कि
मान लीजिए कि गरीब तबके के लोग जो होते हैं उन्हें परिवार नियोजन के बारे में जानकारी नहीं है, तो जो शिक्षित वर्ग के लोग होते हैं या सरकार के द्वारा एक ऐसा कैंपेन लगाना चाहिए जाकि वहाँ पे लोगों को सूचनाएं दी जाए, वहाँ पे लोगों को नियम बताए जाए कि जो हम मतलब कैसे परिवार नियोजन प्रणाली करते हैं, चिकित्सा के लिए अगर नहीं है तो वहाँ पे मंथली या वार्षिक जो है कैंपेन लगाया जाए और वहाँ पे दवाइयों का बंटवारा किया जाए ताकि जिन लोगों के पास दवा नहीं है वो दवा ले सके। और जो है मानव जीवन बहुत ही अमूल्य होता है और माँ और बच्चे दोनों की जान जो है वो बचानी आवश्यक होती है। जिस जगह पे चिकित्सा की सुविधा नहीं है वहाँ पे चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिस जगह पे शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं है वहाँ पे विद्यालय उपस्थित कराई जाए। सरकार को एक योजना बनानी चाहिए कि हमें शिक्षक को भी रखना है, उनके वेतन को भी देना है और बच्चों की शिक्षा को भी हमेशा जो है वो जाँच करते रहना आवश्यक, क्योंकि मूल्यांकन जो है वो अति आवश्यक होता है। सिर्फ विद्यालय खोल लेने से उसमें बच्चे पढ़ने नहीं आ जाएंगे, पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित भी करना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसा सामुदायिक माहौल तैयार करना पड़ेगा जहाँ पे बच्चे जाकर पढ़ें। और इन पर विचार करते हैं, तालिका 1.3 और 1.4 में आंकड़ों को देखिए, क्या हरियाणा केरल से साक्षरता दर में उतना ही आगे है जितना प्रति व्यक्ति आय के विषय में? नहीं, इसमें जो है कम है। केरल में हमने देखा कि अधिक लोग शिक्षित हैं लेकिन हरियाणा में जो है उनकी आय के लोग ज़्यादा, मतलब उनकी जो मतलब इनकम होती है वो अधिक है। ऐसे दूसरे उदाहरण सोचिए जहाँ वस्तु और सेवाएं व्यक्तिगत की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप देखते होंगे सामूहिक शिक्षा के बारे में आपने सुना होगा कि एक समूह में लोगों को शिक्षा दी जाती है, इसी तरीके से सामूहिक चिकित्सा भी बनाया जाए ताकि लोगों को चिकित्सा संबंधी जरूरत को पूरा किया जा सके। उसके बाद जो है सामूहिक नियम कानून बनाया जाए, सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था अच्छी की जाए ताकि उसका प्रभाव लोगों पर पड़े। और सरकार को समय समय पर हर चीज़ का मूल्यांकन करना चाहिए कि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं, चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं, परिवार नियोजन की प्रणाली अच्छी है कि नहीं, और अगर नहीं है तो इसे सुधार किया जा सके। अगले, अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता क्या केवल सरकार के द्वारा इन सुविधाओं के लिए किए गए व्यय पर निर्भर है? अन्य कौन से कारक हैं जो प्रासंगिक हो सकते हैं? मान लीजिए कि सरकार बहुत सारे क्षेत्रों में विद्यालय खोल देती है लेकिन कभी सरकार ने ये जानने का प्रयास किया कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते हैं? उन कारणों पर विचार करें, बच्चों को प्रेरित करें, बच्चों के माता पिता को हर सप्ताह या मंथली बुलवाएं ताकि बच्चों पर उनका ध्यान आकर्षित हो सके, उनके माता पिताओं का, अपने वास्तविक जीवन को छोड़कर बच्चों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। ऐसा कुछ कुछ नियम बनाने चाहिए सरकारी विद्यालयों में भी जहाँ पे बच्चों की शिक्षा पर मुख्य रूप से जोर दिया जा सके, क्योंकि सिर्फ विद्यालय खोल देने से, किताब दे देने से बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बच्चों को अगर पढ़ाना है तो उन्हें प्रेरित करना होगा, उनके माँ बाप को भी प्रेरित करना पड़ेगा, जो भी उनमें कमियाँ हैं उनको दूर करना पड़ेगा। मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बच्चे कुछ कुछ पढ़ने में तेज है और कुछ पढ़ने में बहुत कमजोर है, तो बच्चों के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध करनी चाहिए, ऐसा विद्यालय खोलना चाहिए जहाँ पे कमजोर बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दी जाए। नहीं समझ में आता है तो उन्हें बार बार समझाया जाए। बहुत सारे बच्चे जो हैं हेजिटेशन के कारण मात्र जो है मैथ्स में आगे नहीं बढ़ पाते हैं या किसी अन्य चीज़ में पढ़ने के लिए रुचि नहीं लगता है, उन्हें लगता है कि हम इस क्षेत्र में कमजोर हैं तो जो हमसे नहीं होगा उन्हें छोड़ देने में भलाई है। यही कारण बहुत सारे बच्चों में है। आप देखेंगे कि सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है कि बच्चे 8-9 तक चले जाते हैं, उन्हें ना तो बुक रीडिंग करना आता है और क्वेश्चन आंसर तो दूर की बात है, फिर भी बच्चे कैसे पास कर जाते हैं। ये बहुत सारे नियम हैं जिनको सरकार को सुधारना होगा तभी बिहार की स्थिति सुधर सकती है, या अन्य हम जिस भी राज्य की बात करें वहाँ की स्थिति सुधारने के लिए यह आवश्यक है। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं जबकि पश्चिम बंगाल में केवल 35% ग्रामीण निवासी इसका प्रयोग करते हैं, कहाँ से लोगों का जीवन बेहतर होगा और क्यों? यहाँ पे कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में जो 90% लोग हैं वो राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, वहीं से सामान लेते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में केवल 35%। तो इसमें क्या है, मतलब इसका हो सकता है कारण कि यहाँ पे सामुदायिक बाजार लगता होगा जहाँ पे लोग जो है सस्ते दामों पर खरीद लेते होंगे या स्वयं उगाते होंगे बहुत सारे लोग, ताकि जो है वो किसी तरीके से मार्केट पे निर्भर नहीं रहते होंगे। तो हम क्या देखते हैं, या कुछ लोग बाहर जाके पलायन कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो आप भी खुद भी सोचें और हमें बताएं। अब चलिए आगे बढ़ते कार्यकलाप 2 पे, तालिका 1.5 को अध्ययन कीजिए, निम्न अनुच्छेदों में रिक्त स्थानों को भरिए। क्या इसके लिए आपको तालिका के आधार पर कुछ गणना करनी पड़ती है? यहाँ पे दिया जा रहा है ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर जो है वो 76% पुरुष और महिलाओं की संख्या यहाँ पे कम है। 10 से 14 वर्ष के बच्चे ग्रामीण बच्चों में साक्षरता दर 90% है और महिलाओं में मात्र 87% है। 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने बच्चे जो होंगे वो स्कूल जाएंगे पुरुषों के? तो पुरुषों में स्कूल जाने वाले शुरुआत में बच्चे तो आपको लगभग 90% होंगे भी, और जो महिलाएं हैं वो 80% या उससे कम ही, 50% भी हो सकती हैं। ग्रामीण बच्चों की प्रतिशत 85 है,
और महिलाओं की संख्या जो वो 82 है। सभी आयु के वर्गों की साक्षरता जिसमें से युवक और वृद्ध दोनों सम्मिलित हैं, ग्रामीण पुरुषों के लिए जो शिक्षा थी और ग्रामीण महिलाओं के लिए जो शिक्षा थी, यह नहीं कि बहुत से वयस्क स्कूल नहीं जा पाए बल्कि इस समय स्कूल में नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है उस समय स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। इस तालिका में स्पष्ट है कि जो भी प्रतिशत दिया गया है, पुरुषों का प्रतिशत जो है, लड़कों का प्रतिशत ग्रामीण लड़कियों और बाकी अन्य लोगों के प्रतिशत ग्रामीण लड़के स्कूल नहीं जा रहे, इसलिए 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में जो है शिक्षा के प्रति प्रतिशत ग्रामीण लड़कियां और उनकी शिक्षा के प्रतिशत ग्रामीण लड़के जो है वो निरक्षर है। हमारी स्वतंत्रता के 68 वर्ष बाद भी जो 10 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं वर्ग में इस उच्च स्तर की निरक्षरता चिंताजनक है। बहुत से अन्य राज्यों में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की संवैधानिक लक्ष्य के निकट भी नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि इन लक्ष्यों को 1960 तक पूरा किया जाता है। अभी फिल इन द ब्लैंक्स को स्वयं भी भर सकते हैं, 2-4 बार आप इस डाटा को पढ़ें, उसके लिए भरने की कोशिश करें, आप आसानी से इसे भर पाएंगे। कार्यकलाप 3, यह ज्ञात करने के लिए कि क्या हम उचित प्रकार से पोषित एक तरीका है जैसे कि वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI कहते हैं, इसकी गणना करना सरल है। कक्षा में प्रत्येक व्यक्ति अपना भार और ऊंचाई ज्ञात करे, प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम ले और फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को सीधा करते हुए ऊंचाई का सही माप बना ले। सेंटीमीटर से नापी गई ऊंचाई का सही माप करे, किलोग्राम में व्यक्त भार की ऊंचाई वर्ग से भाग दे, जबकि आपको जो अंक प्राप्त होगा वही BM कहलाएगा। इस पुस्तक में 90 और 91 पृष्ठ पर दी गई आयु के अनुसार BMI तालिका को देखे। विद्यार्थी का BMI समांतर सामान्य से भी कम या समान से अधिक हो सकता है। यदि एक विद्यार्थी की BMI -2 HD और 2 HD बीच के करीब है तो उसे सामान्य कहा जाएगा। यदि 2 HD से अधिक है तो वह न्यून भार है और उसे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यदि एक विद्यार्थी की आयु 14 वर्ष और 8 माह है तो उसकी BMI 15.2 है और उसकी वह अल्प पोषित है। इसी भांति यदि एक विद्यार्थी को जिसकी BMI 28 है और आयु 15 है और 6 माह है तो न्यून भारित कहेंगे। विद्यार्थी को जीवन की परिस्थिति, भोजन एवं व्यायाम सभी आदतों को बिना किसी को लज्जित किए सामान्य रूप से चर्चा करें। चलिए हम इसे समझते हैं कि जहाँ यहाँ पे दिया गया कि बच्चों की वजन और जो मतलब उनके अंक हैं उनको ऊंचाई नापने के लिए BMI का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि उनकी मेंटल एज क्या है और उनकी वास्तविक आयु क्या है, उन्हें कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, उनका वजन कितना है। तो आप भी BMI का प्रयोग करके जो है अपने वर्ग में निकाल सकते हैं बहुत सारे बच्चों की भार, उसके बाद उनकी ऊंचाई और जो है उनकी एज आप ज्ञात करें और सोचें कि इन बच्चों में क्या कमी है। जबकि अगर जैसा कि महात्मा गांधी कहते थे, आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि अगर हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा तो ही हमारी बुद्धि की क्षमता भी काम करेगी, अन्यथा जो बहुत बच्चे पतले होते हैं, कुपोषण के शिकार होते हैं, उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता, वो चिड़चिड़े होते हैं, उनकी समझने की शक्ति अच्छी नहीं होती है। तो एक बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए पढ़ने के लिए उनका स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है। बहुत सारे आप सरकारी विद्यालयों में देखिए ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि कुछ बच्चे हद से ज़्यादा मोटे हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे हद से पतले हैं। तो इनके पीछे कारण है कि उन्हें खाना सही समय पर नहीं मिलता है, जिस कारण जो है उनकी पढ़ाई पर इसका पूरा असर पड़ता है। मानव विकास रिपोर्ट, एक बढ़िया बात समझ में आ जाए कि FPI का स्तर महत्वपूर्ण है, यह विकास के स्तर को मापने का पर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है और स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक, जैसे कि हमने केवल हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किया, ऐसे सूचकों में पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के मापने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। उदाहरण के लिए UNDP द्वारा प्रकाशित मानव रिपोर्ट देशों की कुछ तुलना में शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत के उसके पड़ोसी देशों की 2019 की रिपोर्ट में कुछ संबंध आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। जैसे कि मानव विकास रिपोर्ट है, इसे तैयार किया जाता है, मानव विकास रिपोर्ट को और जो भारत के बारे में UNDP द्वारा तैयार किया जाता है, समस्त मतलब जो भारत है वहाँ पे स्थिति कैसी है और प्रति व्यक्ति आय कैसी है, बच्चे कैसे शिक्षित होते हैं, उनके लिए क्या आवश्यक है। इसमें एक मानव के लिए होना आवश्यक है कि उनके स्वास्थ्य भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वे क्या कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अच्छे क्षेत्र में जा सकते हैं, जिसमें कि वहाँ पे आपको एक रिपोर्ट भी दी गई है। चलिए हम इस रिपोर्ट को देखते हैं और समझते हैं कि पूरे विश्व में स्थिति कैसी है। जैसे कि तालिका 1.6 दिया हुआ है, यहाँ पे देश श्रीलंका के बारे में, सकल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में आय जो है 11,326 है, जन्म के समय संभावित आयु 75.5, विद्यालय आयु जो है 25 वर्ष से उससे अधिक 10.9 है, विश्व में मानव विकास के सूचकांक जो है वो 76 है। भारत की स्थिति जो है वो 6,353 है,
इसकी जन्म के समय संभावित आयु 68.8 है। विद्यालय की औसत आयु जो है 6.4 है और विश्व में मानव सूचकांक 130 है। म्यांमार में 5567 सकल राष्ट्रीय आय है और इसके बाद जो है समय के साथ संभावित आयु जो है वो 66.7 और विद्यालय की औसत आयु 25 वर्ष से अधिक 4.9 और विश्व में मानव विकास की सूचकांक की स्थिति जो है 148। उसी तरह पाकिस्तान में 5331 और जन्म के समय संभावित आयु 66.6, विद्यालय की औसत आयु 5.2 और सूचकांक में 150। नेपाल की स्थिति 2471, जन्म के समय 70.6, विद्यालय औसत आयु 4.9 और विश्व में मानव सूचकांक रिपोर्ट 149। बांग्लादेश में 3677, जन्म के समय संभावित आयु 72.8, विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष से अधिक 5.8 और विश्व में मानव सूचकांक की स्थिति जो है 136 है। ये 2016 और 17 की रिपोर्ट है जिसमें हमने सभी देशों के बारे में जाना। ये मानव विकास रिपोर्ट 2018 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मतलब छापी गई थी। HDI का अर्थ है कि मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई HDI में सूचकांक का क्रमांक 179 देश है, 189 देश में 189। जन्म के समय संभावित आयु जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जाए कि यह तरीके से भी की जाती है और एक डॉलर किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके। हमने देखा कि किस तरीके से मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार देश का सूचकांक निकाला गया। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे। जैसे कि आप भारत के बारे में जाने कि उसकी 130 करोड़ की आबादी और श्रीलंका जो है भारत से बहुत ही ज़्यादा छोटा है। समझिए कि वो बिहार के भी इतना बड़ा नहीं है, बिहार से भी बहुत कम है। फिर भी आश्चर्यजनक बात क्या है कि श्रीलंका की स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तालिका 1.6 में ये दिखती है कि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभाविता में पीछे नहीं है। HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों ने सुझाव दिया कि मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से घटक जोड़ेगा, लेकिन मानव विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई कि विकास महत्वपूर्ण है। देश के नागरिकों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों का स्वास्थ्य उनका कल्याण सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप भी सोचिए, क्या मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाएगा? आप सोचिए और हमें ज़रूर बताएं इसके बारे में। अब चलिए हम आगे देखते हैं विकास की धारणीयता। यह विकास की धारणीयता क्या है कि हम विकास को जिस तरीके से परिभाषित करते हैं, अभी भी मान लें कि एक विशेष देश कॉफ़ी विकसित किया, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे, यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत से वैज्ञानिक ने चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार से प्राप्त नहीं किया, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया। अगर हम चाहें तो इस स्थिति में सुधार कर सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं ताकि जो है वो देश के विकास में सहायता प्रदान कर सके। तो मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हमने यह जाना कि देश में व्यक्ति की स्थिति क्यों ऐसी है, उनकी स्वास्थ्य पे कैसे ध्यान दिया जाए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी की जाए ताकि जो है हर व्यक्ति का विकास हो सके, तभी इससे देश का विकास संभव है। हम इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझे। उदाहरण एक, भारत में भूमिगत जल। हाल में प्रमाणों से पता चला है कि इस देश में कई भागों में भूमिगत जल अति उपयोग होने के कारण गंभीर संकट है। मतलब भूमिगत जल है उसका उपयोग आप किस प्रकार कर सकते हैं? मान लीजिए पीने का पानी हम केवल पीने में ही प्रयोग करें, पीने के पानी को व्यर्थ में बर्बाद न करें। और जो बिहार के लोग हैं या भारत के लोग हैं वे पीने के पानी का दुरुपयोग करते हैं, इस कारण जो भूमिगत जल है वो नीचे काफ़ी चला गया है। 300 जिलों में सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक गिरावट आई है। देश का लगभग एक तिहाई भाग भूमिगत जल भंडारों का अधिक उपयोग कर रहा है। इस साधन का प्रयोग वर्तमान तरीका जारी रहा तो 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल अति उपयोग के लिए पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कृषि की दृष्टि में समृद्ध देशों में मध्य और दक्षिण भारत में चट्टानी पठारी क्षेत्र और कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहर बस्तियों में पाया जाता है। आप सोचते हैं कि भूमिगत जल का अधिक उपयोग हो रहा है, क्या बिना अति उपयोग के विकास हो सकता है? नहीं। अगर हमें जल को बचाना है तो मान लीजिए कि कृषि के क्षेत्र में जो पीने वाला पानी का उपयोग डायरेक्ट समरसेबल या मोटर के माध्यम से किया जाता है, उनका प्रयोग जो है हम नदी के पानी के द्वारा कर सकते हैं और पीने के पानी को हम बचा सकते हैं। जैसा कि पंजाब और हरियाणा की तरफ का क्षेत्र, यहाँ पे खेती की व्यवस्था अधिक होती है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पानी को बचा कर रखना आवश्यक है जहाँ पे पीने का पानी का उपयोग हम नहीं करें। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की इन तरह की साधन पुनः प्रकृति करती है। हम जानते हैं कि पानी को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम इसका उपयोग करेंगे तो भारत में जो है पूरे विश्व में 0.03% पीने का पानी है। और अगर हम इसका अधिक उपयोग करते हैं, अभी हम अपनी जरूरतों को नहीं समझते हैं, तो यह पानी जो है एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी। गैर नवीकरणीय साधन वह है जो
वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाता है। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इसकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती, जैसे कि पेट्रोल वगैरह हो गया और प्राकृतिक गैसें। लेकिन अगर हम पानी का भी प्रयोग बचाना नहीं सीखेंगे तो यह भी जो है कभी ना कभी नवीकरणीय संसाधन बन जाएंगे जो हमें दोबारा नहीं प्राप्त होंगे। और नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वो एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हम तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हम पहले जानकारी न हो, इसके लिए खोज चलती रहती है। नीचे तालिका को देखिए। प्राकृतिक संसाधन का दोहन कैसे होता है, मध्य पूर्व में आप देखिए जो क्षेत्र आते हैं उसमें 807.7 और भंडारण से चलने वाली अवधि 70, संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 और भंडारण से चलने वाली अवधि 10.5, विश्व में जो है टोटल 1696.6 और 50.2 है। यह तालिका कच्चे तेल के भंडार में अनुमान कॉलम 1 को दर्शाती है कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बताती है कि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे भंडार कितने वर्ष चलेंगे। यह संपूर्ण विश्व के लिए, अगर अलग देशों की बात की जाए तो इनकी स्थितियां यह भंडारण केवल 50 वर्षों में ही समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है जिसके पास तेल के लिए पर्याप्त भंडारण नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक पर भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश जिनके पास भंडारण तो कम है लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। विकास की धारणता का प्रश्न इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कोई अन्य मूल नए विश्व विषय खड़े कर देते हैं। क्या किसी देश की प्रक्रिया में कच्चा तेल अनिवार्य है? अनिवार्य है, लेकिन अगर हम उसका प्रयोग तभी करेंगे जब हमें इसकी आवश्यकता होगी। बिना आवश्यकता के उसका प्रयोग ज्यादा करते हैं तो ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जहाँ हमें पैदल जाने की आवश्यकता है वहाँ पे हम गाड़ी का प्रयोग ना करें तभी हम प्राकृतिक तेल की बचत कर सकते हैं। भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए क्या भारत के लिए आने वाले समय किन समस्याओं का पूर्वानुमान कर सकते हैं कि एक दिन एक समय ऐसा आएगा जब भारत में कच्चे तेल हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि हमें यह दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। वहाँ नहीं रहेगा तो हमें भी कहाँ से मिलेंगे। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते हैं। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। हम सब भविष्य इसका हमारा भविष्य इससे परस्पर जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि अगर हम आज तेल की बचत करेंगे या पानी की बचत करेंगे तो वो भविष्य के लिए सुदृढ़ रहेगी, हमारे बच्चों के लिए। विकास की धारणा तुलनात्मक स्तर का ज्ञान नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम करते हैं और ये लोग हमेशा मानव को सचेत करते हैं कि अधिक हम अधिक उपयोग करेंगे तो भविष्य में हमें ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं। और इसलिए विकास पर बहस जारी है और बहुत सारे ऐसे देश और बहुत सारे ऐसे राज्य जो अविकसित हैं उनके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर उन कारणों को हम सुधार कर सकते हैं और हम स्वयं में सुधार करें, अगर हम विकसित होना चाहते हैं तो यह आवश्यक होगा कि हम भी विकास कर लेंगे। लेकिन अगर वहाँ की स्थिति सुदृढ़ नहीं है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, गरीबी पर्याप्त रूप से विद्यमान है, सरकार भ्रष्टाचार है, तो यहाँ पे विकास की स्थिति कभी भी नहीं बन सकती है क्योंकि यहाँ पे मूल रूप से भ्रष्टाचार की नीति जो है वो व्याप्त है और किसी भी क्षेत्र में लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब यह चैप्टर जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो और इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें।